नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के आज बलरामपुर दौरे को लेकर। बलरामपुर में पहुंच रहे हैं आज सीएम योगी और दो दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है आज, क्योंकि कल भी बलरामपुर में थी। सुबह 9:45 पर भवनियापुर हेलीपैड से पुलिस लाइन बलरामपुर के लिए भरेंगे उड़ान। सुबह 10 बजे बलरामपुर पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम योगी। बलरामपुर और गोंडा जिले के अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे पुलिस लाइन बलरामपुर से लखनऊ रवाना हो जाएंगे सीएम योगी। तो होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सीएम योगी के दो दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है आज। सुबह 9:45 पर भवनियापुर हेलीपैड से पुलिस लाइन बलरामपुर के लिए सीएम योगी उड़ान भरेंगे। सुबह 10 बजे बलरामपुर पुलिस लाइन में पहुंचेंगे सीएम योगी। बलरामपुर और गोंडा जिले के अधिकारियों के साथ में आज समीक्षा बैठक भी होगी। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अधिकारियों के साथ सीएम योगी की बैठक जारी रहेगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान जुड़ रहे हैं। सीधे नीलेश चौहान का रुख करेंगे। नीलेश, सीएम योगी आज बलरामपुर में हैं, जिस तरह से कल कई परियोजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण किया गया था, आज क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेगा? इस समीक्षा बैठक के दौरान में कौन कौन से विषय रहेंगे, क्योंकि कल लगातार चर्चाएं हो रही थी कि समीक्षा बैठक में कई अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है? देखिए पूजा, बिल्कुल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बलरामपुर दौरे का दूसरा दिन है। भवनियापुर एयरपोर्ट से करीब 9:45 पर वो बलरामपुर के लिए उड़ान भरेंगे। उसके बाद बलरामपुर पहुंचने के बाद वो 2 घंटे तक बलरामपुर और गोंडा के जो अधिकारी हैं उनके साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार की जो योजनाएँ जनता के लिए हित में जारी की गई हैं, लगातार जनता को उन योजनाओं का लाभ देने की बात सरकार के द्वारा कही जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। तो बलरामपुर गोंडा के जब आज अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, तो तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सर्दियों का भी मौसम शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं रैन बसेरे को लेकर भी मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में चर्चा करेंगे। साथ ही किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार मुख्यमंत्री तमाम बड़े कदम उठाते चले आ रहे हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे आज समीक्षा बैठक में जो बलरामपुर और गोंडा के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। साथ भी ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार इन जिलों से भी आ रही है बाहर, तो कहीं ना कहीं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों के ऊपर फटकार लगना भी निश्चित कहा जा सकता है कि उनको भी फटकार लगाई जा सकती है, उनके लिए भी कड़े दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। तो करीब 2 घंटे तक ये अहम बैठक, समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों जिलों के अधिकारियों के साथ करेंगे। तो पहले से ही आज के बैठक की तैयारियां, समीक्षा बैठक की तैयारियां वहां के जिला प्रशासन ने कर ली है। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, तो कहीं ना कहीं तमाम बड़े दिशा निर्देश जारी करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता के हित में अधिकारियों को काम करने के दिशा निर्देश देते हैं। इस दौरान उनके साथ जो है समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री और मंत्री चेतन चौहान भी मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आज का कार्यक्रम जो ये बलरामपुर में होना है वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार हर वो प्रयास जनता के लिए कर रही है जो जनता जिसके लिए लगातार उनसे अनुरोध कर रही थी, जनता जिसके लिए लगातार उनको लेटर लिख रही थी। तो कहीं ना कहीं लगातार मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। आज वो बलरामपुर में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं बलरामपुर के अधिकारियों के अंदर तमाम दिशा निर्देश देंगे और बलरामपुर के जो अधिकारी हैं, गोंडा के जो अधिकारी हैं, उनसे जायजा भी लेंगे जो सरकार की योजनाएं लगातार दोनों जिलों के लिए चलाई जा रही हैं, वो जनता को कितना फायदा पहुंचा रही, कितने लोग उसका लाभ ले पा रहे हैं, तो अधिकारियों से ब्यौरा भी मांगा जा सकता है। तो आज देखने वाली बात यह होगी कि जब 2 घंटे ये समीक्षा बैठक होगी तो बैठक के बाद किन अधिकारियों को फटकार लगाई जाती है तथा क्या कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं। फिलहाल कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री लगातार जो है दोनों जिलों पर अपनी नजरें बनाए हुए थे और लगातार हर एक योजना का खुद संज्ञान लेते हुए कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से दोनों ही जगहों को लेकर सीएम योगी की समीक्षा बैठक है, दूसरी खास बात है कि 2 मंत्रियों की मौजूदगी इस बैठक के दौरान में होने वाली है, इससे बड़ा स्पष्ट है कि कुछ बड़ा आज होने जा रहा है। जिस बड़े होने का जिक्र आप कर रहे हैं, संभावनाएं क्या क्या हैं, ऐसा क्या बड़ा हो सकता है आज? देखिए कहा जा रहा था कि जो मुख्यमंत्री की सामूहिक विवाह योजना है,
कहीं ना कहीं उसका लक्ष्य जो रखा गया था उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी कि गोंडा और बलरामपुर का जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो जिस तरीके से अभी और जिलों से अनियमितताएं सामने आई हैं, अगर वहां पर भी अनियमितताएं निकलती हैं तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी को फटकार लगाई जाएगी, समाज कल्याण अधिकारी को फटकार लगाई जाएगी। इसी सिलसिले में कहा जा सकता है कि समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे और होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि दोनों के विभागों में बड़ा कुछ वहां पर हो सकता है और दोनों मंत्रियों की उपस्थिति में वहां पर मुख्यमंत्री दिशा निर्देश भी जारी करेंगे और दोनों जिलों के लिए जो योजनाएं सरकार की हैं उस पर अमल करने के लिए पूरी तरीके से दिशा निर्देश दिए जाएंगे और अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार सीधा जनता के हित में काम करने वाली है, जनता के हित के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार को कोई दूसरा कार्य नजर नहीं आता है। तो लगातार ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते चले आ रहे हैं, तीन साल का उनका शासनकाल पूरा हो गया है, इन 3 सालों में बहुत कुछ उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, जितनी उनकी योजनाएं थी उस सब योजनाओं को धरातल पर उतारा है, तो कहीं ना कहीं आज इन दोनों जिलों में भी देखने को मिलेगा। निलेश बने रहिएगा हमारे साथ में, वापस लौटेंगे आपके पास में। देखिए सीएम योगी आज बलरामपुर और गोंडा के अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करेंगे और खास बात यह है कि समीक्षा के दौरान में कई अहम मसलों को लेकर ब्यौरा भी लिया जा सकता है, चाहे वो सरकार की किसी भी परियोजना का जिक्र क्यों ना हो। अभी तक सरकार की स्कीम्स को लेकर क्या कुछ परफॉर्मेंस रही है बलरामपुर और गोंडा में, इसको लेकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं अधिकारियों से। तो 9:45 पर भवनियापुर हेलीपैड से उड़ान भर रहे हैं और बलरामपुर पुलिस लाइन पर पहुंचने के बाद में यहां बैठक शुरू हो जाएगी। बलरामपुर और गोंडा जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आज, तो आज उनका बलरामपुर का दूसरा दिन रहेगा और उसके बाद 10 बजे से लेकर 12 बजे तक लगभग उनकी क्या बैठक चलेगी। और इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:15 सीताकुंड अफीम कोठी सुल्तानपुर में बूथ अध्यक्ष के घर जाएंगे रामनिले सभागार पर सुल्तानपुर के कार्यक्रम में। 11:45 पर शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, 11:50 पर पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। पीडब्ल्यूडी की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे डिप्टी सीएम। इसके बाद दोपहर को 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर 1:45 पर बेलखरनाथ धाम प्रतापगढ़ पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। 1:50 पर पीडब्ल्यूडी की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो आज सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर 3 बजे पत्रकारों से बातचीत करेंगे और दोपहर 3:30 पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों के साथ में बैठक करेंगे। आज सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कई अहम बैठकों का हिस्सा होंगे। सुबह 11:15 सीताकुंड अफीम कोठी सुल्तानपुर के बूथ अध्यक्ष के घर जाएंगे। सुबह 11:45 पर रामनरेश सभागार सुल्तानपुर के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुबह 11:50 पर पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। पीडब्ल्यूडी की कई परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी करेंगे। संतोष पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं सुल्तानपुर से। संतोष, सुल्तानपुर में डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? बूथ अध्यक्ष घर पर भी जाएंगे, वहां पर भी क्या कुछ स्ट्रेटजी को लेकर चर्चा हो सकती है? देखा जाए अगर तो उनके आने का मुख्य कारण ये है कि मेनका जी यहाँ पर ऑलरेडी पहले से आई हुई है, उनका दो दिन से दौरा चल रहा है मेनका जी का, तो कुछ सड़कों का लोकार्पण करना है उनको, उसी के सिलसिले में आ रहे हैं और उसमें फिर ओम प्रकाश पांडे पतंगी जी के यहाँ भी उनका जाना होगा, वहां पर भी बैठक होगी। एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक चहल पहल पूरी तरह से रहेगी आज जिले में और मुख्यमंत्री के आने के उपलक्ष्य में। राजनीतिक चहल पहल के साथ में क्या कुछ और गतिविधियां आज रह सकती हैं डिप्टी सीएम की? क्या समीक्षा बैठक भी हो सकती है इलाके के विकास को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर? जी, जैसे मैंने बताया आपको कि मेनका जी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और मेनका जी ने अपने प्रोग्राम में बताया था कल कि केशव मौर्य जी उनके साथ रहेंगे। अच्छा। और विकास की गति पर भी चर्चा की जाएगी जिसमें सड़कों का लोकार्पण किया जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।
यशवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ में, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं प्रतापगढ़ से। यशवेंद्र, प्रतापगढ़ में भी क्योंकि आज केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे, प्रतापगढ़ में उनका क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेगा आज? जी, आपको बता दें कि आज प्रतापगढ़ में इनका कार्यक्रम है। कार्यक्रम के तहत जो है कुछ लोकार्पण भी करेंगे और साथ ही प्रतापगढ़ की के जो भी विकास कार्य है उनकी समीक्षा की जाएगी। और इस बीच जो है, जो सबसे बड़ी बात है, वो कानून व्यवस्था यहाँ ध्वस्त है, इस पर भी यहाँ के लोग आज उनका घेराव करेंगे और उन्हें बताएंगे कि यहाँ पे कानून व्यवस्था भी दुरुस्त की जाए। यानी समीक्षाएं भी होंगी आज जिले के विकास को लेकर, तमाम स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, और इसके अलावा कुछ और संगठन से संबंधित भी कुछ आज मीटिंग्स रह सकती हैं क्या? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी हाल ही में प्रतापगढ़ में चुनाव हुआ था और यहाँ के कैंडिडेट चुनाव जीते थे और कुछ लोगों में नाराजगी भी देखी गई थी, टिकट जिसको नहीं मिले थे। तमाम चीजें हैं, कुल मिला करके यहाँ पे समीक्षा की जाएगी और विकास ही यहाँ पे अहम मुद्दा होगा। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, केशव प्रसाद मौर्य सुल्तानपुर प्रतापगढ़ में रहेंगे, जैसा कि सुल्तानपुर में जिक्र किया हमारे संवाददाता ने कि मेनका गांधी के कार्यक्रम में उनका साथ देंगे, उनके साथ रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य। इसके अलावा प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी होगा। और देखिए, कल सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और कैबिनेट की इस बैठक के दौरान में 10 प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में चिकित्सा शिक्षकों को मानदेय पुनर्गठन का प्रस्ताव पास हुआ। वहीं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन और रोजगार से जुड़े प्रस्ताव भी पास हुए हैं। निवेशकों को लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया जाएगा, ये फैसला भी कर लिया गया। 2,862.70 करोड़ का यूपी में निवेश होगा। रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। राज्य संपत्ति विभाग के निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर 16 नए वाहनों की खरीद होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे योजना का बैंकों के माध्यम से धन उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार से शासकीय गारंटी और लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यह जानकारी दी। राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा में पुराने भवन गिरकर अब पुस्तकालय बनेंगे। शर्मा त्रिपाठी रही सिंह को हर महीने 1,00,000 महावेतन और 25,000 का मकान भत्ता मिलेगा। अनुमोदन किया गया है इसी स्कीम के तहत कि 1.68 लाख परिवार जो हैं उसके जो इस प्रकार से आएंगे, उन लोगों को मुख्यमंत्री जी के लेवल पे इस पे निर्णय करते हुए, इनका सर्वे करवाते हुए, हर मानक को देखते हुए इन लोगों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि 10.12 लाख परिवार का जो पैसा था वो मिल चुका है। तो इसलिए 1.68 लाख जो कॉमन है, क्योंकि अब जो कॉमन है तो वो आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य में तो कवर्ड है ही है, तो यहाँ पे भी 10.12 तक ही पहुंचने के लिए 1.68 लाख का पैसा है, तो वो इन लोग को भी कवर कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष में कतिपय संशोधन किए जाने के संबंध में, ये पुरानी स्कीम है बीपीएल कार्ड्स के लिए, मगर ये बीपीएल कार्ड के लिए जो स्कीम चल रही थी स्वास्थ्य की, उसमें एक लिमिट लगा रखी थी 24,000। अब ये 24,000 तक की ही इनको स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं या इनको खर्चा आपको दिया जा सकता है, लेकिन जो बीपीएल की जो धनराशि है वो समय समय पे बढ़ती रहती है। आज के दिन पर ग्रामीण क्षेत्र में वो 46,000 के लगभग है, साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्र है वो 56,500 के आसपास है, तो 24,000 का कोई औचित्य नहीं रहता। तो इसलिए संशोधन जो किया जा रहा है वो 24,000 हटा रहे हैं और खाली ये कहा जा रहा है कि साथ ही रोगी के परिवार की आय बीपीएल के लिए निर्धारित धनराशि के बराबर हो, इक्वल। और वे देखिए, लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब संसद में भी इस पर चर्चा हो रही है। बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर सवाल विपक्ष की ओर से पूछे जा रहे। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी संसद में प्रदूषण का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने स्थायी समिति बनाने की इसी को लेकर
मांग की है। सरकार इस मामले में सदन की ओर से कोई सवाल नहीं उठाती। किसानों की आय दोगुनी और कश्मीर के नेताओं की हिरासत पर भी जोरदार हंगामा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन में हुआ। जेएनयू के मुद्दे पर भी संसद में सुनाई दी मामले को लेकर गूंज। गांधी परिवार के एसपी सुरक्षा हटाने पर भी संसद में शोर हुआ। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन संसद में गूंजा पॉल्यूशन का मुद्दा। पॉल्यूशन के साथ साथ जेएनयू की जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं सामने, जेएनयू में लगातार मचे बवाल के बाद शीतकालीन सत्र में उसे लेकर भी शोरगुल सुनाई दिया। सरकार इस मामले को नहीं उठाती पॉल्यूशन पर, कहा तिवारी ने। किसानों की आय दोगुनी और कश्मीर के नेताओं की हिरासत पर भी हंगामा हुआ। देखिए अभी तक, क्योंकि कश्मीर की अगर बात करते हैं तो वहां पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब भी नजरबंद रखा गया है, जिसको लेकर यहां आवाज सुनाई दी। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन संसद में एक तरफ जहां पॉल्यूशन का मुद्दा गूंजा, तो वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने स्थायी समिति की मांग इस पूरे मामले को बनाने के लिए की। और खबर अब अगली रायबरेली से है, जहां पर तेल के गोदाम में भीषण आग लग गई। तेल के गोदाम में लगी भीषण आग की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी मिली। मिलेरिया थाना इंचार्ज इलाके का ये पूरा मामला है, गल्ला मंडी की घटना। तेल के गोदाम में लगी भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं रायबरेली से। रायबरेली में लपटों का ये तांडव। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। मिलेरिया थाना इंचार्ज समेत सीओ सिटी मौके पर पहुंचे। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगातार आग बुझाने में लगी रही। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। मिलेरिया थाना इंचार्ज समेत सीओ सिटी मौके पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए पेट्रोल पंप पे आग लगी थी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था आसपास के इलाकों को। तेल के गोदाम में लगी इस भीषण के आग में लोगों की जान का खतरा लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि देखिए जब तेल में आग लगती है तो ये आग लगातार फैलती है। रोहित मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता है रोहित। तेल के गोदाम में लगी आग की तस्वीरें हम देख रहे हैं, मामला ये देर रात का नजर आता है, किस तरह से ये आग लगी कुछ अभी तक स्पष्ट हो पाया, और अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहाँ? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जब दुकानदार अपनी दुकान बंद करके जो है घर गया था, तो अचानक थोड़ी देर बाद जो है शॉर्ट सर्किट से आग लग गई तेल के गोदाम में। और कहीं ना कहीं देखते ही देखते धू धू करके जब दुकान जलने लगी, तो आस पड़ोस के लोग और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने किसी तरह से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगर आग पर काबू न पाते तो एक बड़ा हादसा हो सकता, क्योंकि तेल के गोदाम में जिस हिसाब से आग लगी थी उसकी लपटें लगातार बढ़ती जा रही थी और आग का फैलाव भी लगातार होता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और वह पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से जरूर बच गया है। फिलहाल अब मौके की अगर बात तो मौके की स्थिति अब सामान्य है, वहां पे दुकानदार भी मौके पहुंच गए और अपने सब सामान डाले, लेकिन बताया जा रहा है कि आग से लाखों का नुकसान दुकानदार का हुआ है। ये जो गोदाम था तेल का, पहले ये बताइएगा ये लीगल भी था कि नहीं? जी बिल्कुल, ये शहर के गल्ला मंडी पे था, इसका बकायदा लाइसेंस था। अब इसकी जांच भी जो है सिटी मजिस्ट्रेट कर रहे हैं कि आखिर इस पे क्या कमी थी, क्या शॉर्ट सर्किट से लगा कि और कोई कारण था, ये सब बिंदुओं पे भी जांच शुरू कर दी गई है। चलिए बहुत ही शुक्रिया। और वही खबर अब बलिया से है। बलिया के अंदर बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन, और जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच बिजली कर्मियों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। बिजली कर्मचारियों के प्रदर्शन से कार्यालय में बंद रहे कामकाज। पीएफ घोटाले में बचे हुए अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं बिजली कर्मचारी, और इसी के तहत पूरे प्रदेश भर में इसी तरह प्रदर्शन किए गए, नारेबाजी की गई। बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन
धरने पर है बिजली विभाग के कर्मचारी। बिजली कर्मियों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। कर्मचारियों का जीपीएफ का पैसा जो वेतन से काट करके उनके भविष्य के लिए रखा जाता है उसको भविष्य निधि का पैसा कहलाता है। जब भी आवश्यकता हो तो मांग पड़ने पर अंतरिम भुगतान किया जाता है और रिटायर होने पर पूर्ण भुगतान किया जाता है। उस निधि को सुरक्षित रखने का काम जिस ट्रस्ट को दिया गया था और जिन जिम्मेदारों को दिया गया था उन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती और उस पैसे को ऐसी जगह लगाया जो असुरक्षित हो गया है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी, तो बने रहिए हमारे साथ।